वाहे गुरु। सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु। वाहेगुरु जीओ। कचों कंचन भयो शब्द गुर श्रमण सुनयो, बिखते अमृत होयो। नाम सतगुर मुख भण्यो, लोहो होयो लाल। नदर सतगुर जद धारे, पाहण माणक करे। ज्ञान गुर कहो विचारे, काठो श्री खंड सतगुर कियो। दुख दरिद्र तिनके गए, सतगुरु चरण जिन परसिया। से पस परेत सुर नर भय, जागदी जोत जहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। चवर छतर तख्त दे मालक, जुगो जुग टल सतगुरु। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर, देश अते विदेशों में जुड़ बैठी साध संगत जीओ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे, धर्म प्रचार कमेटी दे चेयरमैन जी वालों एक कीते हुए उद्यम उपराले का सदका टाइम टीवी चढ़दी कला चैनल दे राही दूर दूर तक जिथे भी गुरबाणी नाल प्यार करन वाले गुरसिख माई भाई बैठे हैं, भाई सारिआं नूं सब तो पहला गुरु पातशाह जी फतेह गजाउंदा हाँ। गज के फतेह गजाओ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह जी कृपा दा सदका ये पवित्र बाणी श्री सुखमनी साहिब जिस दा पाठ हर गुरसिख माई भाई दे हिरदे नूं टुंबदा है, प्रेरदा है और इतना सुखैन ते रसमई है कि हर एक दा जी करदा है कि मैं इसका पाठ करां। ये ठीक है कि पंजाब तों बाहर बहुते लोगों नूं गुरमुखी नहीं आती, पर जितनी असी गुरमुखी नूं औखा समझ के छड्डिया ना ये साड़ी अणगहली भी है। गुरमुखी वर्गी सौखी भाषा कोई नहीं। जे सारिया मेरिया मातावां भैणां बच्चियां ये तहिया कर लैन कि असी अपने बच्चों नूं गुरमुखी आप पढ़ाउणी है, स्कूलों वल नहीं वेखना। असी इत्थे मार खा गए, वो जी स्कूल विच नहीं लगी हुई, वो भाई उत्थे नहीं लगी, तुसी ते ला सकते हो ना। रोज़ पांच मिनट पांच अखर सिखाउण लई लिखाउण लई दिओ ते बच्चे नूं सत्तां दिनां च गुरमुखी आ जाए। ये मैं स्पष्ट तौर पर कह दिया, इसलिए कह रहा हाँ कि कल एक सज्जन का फोन आया, कहिंदा जी मैं आगरे तो बोल रहा, मैनू बहुत लगती है मिठी बाणी जो तुसी पढ़ते हो, पर क्योंकि मैनू गुरमुखी नहीं आती, दसो मैं किमें पढ़ा। मैं कहा जी तुसी हिंदी विच गुटका लै लो, होर की कर सकते। जदों के मैं समझदा हाँ कि हिंदी विच कदे भी शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता, हिंदी दे गुटके उत्तों तुसी उसकी सही अर्थावली नहीं जान सकते,
क्योंकि गुरु पातशाह जी ने बड़ी कृपा करके इहदे अंदर जो लगां मात्रां दी गोज गल रखी है वो तुहानू गुरमुखी पढ़ के ही समझ आवे। इसलिए मेरी बड़ी निम्रता सहित प्रेरणा है भाई जे सचमुच गुरु की गल समझनी चाहते हो तो फिर गुरमुखी पढ़ो, टाल मटोल ना करो। मैनू गुरमुखी नहीं आती, ऐसा कोई काम नहीं। मेरे बुजुर्ग पिता जी क्या करते सन, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, ऐसा कौन सा मसला है जो हल हो नहीं सकता। जे तुसी सीखना चाहो तो कोई औखी गल नहीं। पर एक होर बदकिस्मती है कि असी अपने घर विच बच्चियां नाल हिंदी बोलते, घर विच ते कम से कम गुरमुखी विच गल्लां करो, पंजाबी बोली विच गल्लां करो। क्यों अपनी माँ तो पिट दे रहे हो, माँ नूं पिट ना दे। जे माँ बोली नूं भुल जावांगे कखां वांगू रुल जावांगे, किसे नहीं जी कदर कर। तो खैर ये मेरे दर्दे दिल की गल है जो मैं तुहाडे नाल सांझी कीती है। जे सचमुच गुरमुखी नाल बाणी नाल जुड़ना चाहुंदे हो तो गुरमुखी जरूर सीखो। आओ गुरु पातशाह की कृपा का सदका सवेर के दीवान विच 22 पदियां की संपूर्णता हो चुकी, सिर्फ इस बाणी दियां 2 अष्टपदियां बाकी हैं। एक दी आपां अज विचार करांगे ते एक दी कल सवेरे विचार करके तुहाडे तो आग्या लै लवांगे, फिर गुरु कृपा करे। सवेरे एक किसे गुरु प्यारे दा फोन आ रहा सी ते नाले वो फोन करन ते नाले रोई जान। मैं कहा जी की गल हो गई, रोंदे क्यों? आंदे हुण कल समाप्ति हो जाएगी, फिर आनंद कदों बनेगा। ये जिहड़ा सानू कई दिनों तो आनंद रस बनिया सी इस तो टुट जाऊं। मैं कहा कोई गल नहीं, जी के साहब नू कहो, चेयरमैन साहब नू कहो, फिर उद्यम करांगे को होर बाणी आसा की वार दी विचार करांगे। जिहड़ी सिद्धांतक बाणी है, जिहड़ी गुरु नानक सच्चे पातशाह दी ओह बाणी है जिसने सारे भरम तोड़ दिते ने, सारियां वो गल्लां सिद्धांतक सानू समझाइया ने, तो उस दी विचार कर लवांगे। पर यह सबो दे हुक्म विच होवेगा, आओ समा आग्या नहीं दिंदा। सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेठिया नानक मन परगास। पातशाह फरमांदे ने जदों असी गुरु कोल आउंदे हां गुरु की करदा, ज्ञान अंजन गुर दिया अंजन कहंदे ने सुरमे नूं। जे हुण किसी सुरमा पाउण वाले या पाउण वाली नूं पुछया जाए सुरमा क्यों पाउंदे हो, वो कहणगे जी अखां दी रोशनी वध जांदी। ठीक है, पुराने बजुर्ग सुरमे की वरतों बहुत करया करते सन। मेरे एक बजुर्ग मित्र सन बख्शी राम जी मरवा, उन्होंने निके निके बच्चों नूं कठिया करना, आखन लगा बच्चो मेरे पिछे बोलो, आँख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर, नाक में उंगली, कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर। किनिया कीमती गल्लां ने। तो अख विच अंजन पाउण दा रिवाज कोई मेरे करके कहन करके नहीं, तुसी पाउंदे हो। बड़े बड़े वधिया किस्म दे सुरमे हैं। हाँ ये जरूर है कि जदों अख विच सुरमे की सिलाई पाई दी है ना,
उन्हों जरा तकलीफ तो होंगी है, पर जदों सुरमा पाने तो बाद अखां विचों दो दो तुपके गर्म पानी दे निकलते हैं ना, फिर की होंगे रोशनी भर जाती। सुरमा पाने वाले नूं पुछ के देख लो, जदों असी सुरमे सिलाई पाने हैं थोड़ी जी तकलीफ होंगी, पर फिर अखां की रोशनी भर जाती। इस तरह गुरु महाराज कोल आया, इन्हां दी पवित्र बाणी नूं पढ़िया ते विचारिया की हुंदा, ज्ञान अंजन गुर दिया। इत्थे गुरदे रारे नूं सियाली है, जिहदा मतलब गुरु ने हुण गुरु कोल आवांगे तां ही गुरु सुरमा दे। अजे तां घर ही बैठे हुए हैं, अज तो दुकान पर बैठे हुए हैं, जदों के गुरु महाराज आवाज मार के कहते ने, आए मिल गुरसिख आए मिल, आए मिल गुरसिख आए मिल। हुण इहदा अर्थ तुसीं भी जान दिओ, मैं भी जान। हे गुरु दे सिख खवाउण वाले, आके संगत विच मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे। जदों तू गुरु कोल आके बैठेगा, हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां, भलिहारी गुरे अपने गुर को भर जाए। हुण असी ते गुरु ग्रंथ साहिब नूं सिर्फ मथा टेकण दी जगह बना लिया, सोहणे रुमाले चढ़ा दिओ, फुल माला चढ़ा दिओ, जे घर विच कोई दुख सुख हो जाए लियाओ जी गुरु ग्रंथ साहिब जी, उत्थे भी असी वधीकी कर रहे हैं, पाठी पाठ कर रहे ने, असी कोल ही नहीं बहिंदे। असी ज्ञान अंजन लैण लई तैयार नहीं, पर धन गुरु अर्जुन देव पातशाह कहिंदे ने, ज्ञान अंजन गुर दिया। गुरु ने जदों ज्ञान दा सुरमा पाया, अज्ञान अंधेर विनाश, वो जिहड़ा अज्ञानता दा अंधेरा सी उहदा नाश हो गया। पर यह होया कदों ते किवें, हर कृपा ते संत भेटिया। संत शब्द ने साडे विच बड़े भुलेखे पाए। हुण देखो गल गुरु दी हो रही, इत्थे संत भी गुरु है, इत्थे किसे वखरे संत दी गल नहीं हो रही। किसे मैं किसे दा नाम इसलिए नहीं लैंदा कि कई बार कई बड़े ही श्रद्धालु ब्लाइंड फेथ वाले बैठे होंदे, उन्हां नूं फिर बड़ी तकलीफ हुंदी साडे संतां दा नाम बोले। अरे मैं नहीं किसे दा विरोधी या उपासक, मेरे लिए तो गुरु ग्रंथ साहिब ही संत ने, जिन्हां विच सारे संत बैठे ने, ते संत बनाउण वाले ने। इन्हां दी बाणी पढ़ के ते कई असंत संत हो जांदे। हर कृपा ते संत भेटिया, वाहगुरु की कृपा होई ते गुरु संत नाल मेल होए, ते फिर गुरु संत ने नानक मन प्रकाश, उत्थे अखां दा प्रकाश होंदा। उस सुरमे पाउण नाल अखां दी रोशनी वधी है, रोशनी वधी, इत्थे मन दी रोशनी वधी। इत्थे मन विच जिहड़ियां गलत धारनावां हुंदियां ने खत्म हो जांदियां ने। आ जो कुछ असी इर्द गिर्द तो इकट्ठा कर बैठे हां ना, इन्नी वारी पाठ करो जी, किन्नी वारी करो जी, किहड़े वेले, इहो जे कोई गुरबाणी कहिंदी, जे वेला वक्त विचारीए ता कित वेला भगत होए। जेड़े वेले भी चंगा काम करो करो, जेड़े वेले भी करो चंगा काम करो। तो महाराज कहने, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास अष्टपदी। लो गुरु संत कोल आया की हुंदा है, गुरु संत की बख्शदा, संत संग अंतर प्रभ डीठा।
गुरु संत दी संगत करन करके अंतर प्रभ डीठा, अंदर वस्ता जिहड़ा परमात्मा है वह डीठा, उहदे दर्शन हो गए, उहदी सोझी हो गई। गुरु ने आख्या काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। गुरु ने आख्या संतो घट घट रहा समायो, पूरन पूर रहो सर्व में जल थल रमैया आयो। तो संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। हुण परमेश्वर का नाम मिठा लगन लग पे जदों समझ आई के नाम जपन करके प्रभ कह सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कह सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कह सिमरन काल पर हरे। ये ज्यों ज्यों सुनिया समझिया फिर नाम प्रभु का लागा मीठा, फिर मीठा लगन लग। फिर सगल समग्री एकस घट माहे, इत्थे दा पाठ समग्री करना क्योंकि मम्मी नूं सियारी लगी। सगल समग्री ये जितनी भी समग्री असी देखते हैं ये जो दी रचना है एकस घट माहे, ये सब उस परमात्मा विचों ही निकली तथा उहदी। ते अनक रंग नाना दृष्टाही, कई रंगा विच, नाना दा मतलब है कई किस्मां दी सृष्टि नजर आती। ज्यों ज्यों तुसी दुनिया विच विचरोगे किधरे गोरे किधरे काले किधरे नक फीने किधरे मथे चौड़े पता नहीं कितना दी। अनक रंग नाना दृष्टाही, नौ निध अमृत प्रभ का नाम। नौ नित नौ खजाने कहे जाते, आख्या जिहड़ा परमेश्वर का नाम रूपी अमृत है दे च नौ निधियां नौ खजाने भी। ताही गुरु ग्रंथ साहब जी कहिंदे नव निधि अठारह सिद्धि, पिछै लगियां फिरें जो हर हिरदै सदा वसाए। जिहड़ा हरि दे नाम नूं हिरदे विच वसा ले, ये नौ निधियां अठारह सिद्धियां उहदे पिछे पिछे लग जाए। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। समझ आ जाती है भई इहदा अंदर ही साडे वासा है, इसते बाहर भटकदे किवें भटकदे। महाराज ने मिसाल दिती है, आख्या जिस तरह हिरन दी नाभी विच कस्तूरी हुंदी पर उन्हों पता नहीं, वो कदे झाड़ियाँ विच मूँह देंदा है कदे खुड़ां विच मूँह देंदा है, शायद इत्थों खुशबू आ रही। साड़ी भी यह हालत है, साढ़े अंदर है परमात्मा की जोत पर असी बाहर भटक रहे। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाध अनहत तहनाद, देखो ना विचार करन करके कई संप्रदावां ने कई संस्थावां ने गुरबाणी दे अखर चोरी कर ले। आओ जी तुहाडी सुन समाधि लाइए, आओ तुहानू अनहत नाद बजा के बिछा सुनाइए, लोग उधर तुर पे। गुरबाणी की कह रही है, आख्या सुन समाध, सुन समाधि उन्हू कहिंदे ने जिथे फुरने ना फुरन, जिथे मन बिल्कुल टिक जाए। अनहत तह नाद, नाद का मतलब है धुन आवाज, अनहत का मतलब वो धुन जिहदा कदे हथ नहीं हुंदा, वो प्यार दी धुन अंदर वजन लग पैंदी है। पढ़ी भी जा रहे हैं वाजे पंच शब्द, तित घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे कला जित करधारी। ये सब गल्लां गुरु कोल आके बैठे हाँ
समझ आंदियां ने। फिर ध्यान दियो, सुन समाद अनहत ता नाद कहन न जाई अचरज बिसमाद। मैं एक दिन अगे भी दस्या सी भी ये अखर जेड़ा है कुछ इलाकियां विच इहनू अचरज बोलदे ने, कुछ इलाकियां विच इहनू अचरज बोलदे ने। एक सज्जन मेरे नाल उलझ गया, तुसीं जी उत्थे कहा सी अचरज, इत्थे कहते अचरज। अरे मैं कुछ नहीं कहा, मैं ते दस्या है कि दोवें तरह नाल यह अखर बोलिया जांदा। हुण देखो ना, अमृतसर वाले कुछ होर तरह बोलते ने, दुआबे वाले होर तरह बोलते ने, होशियारपुर चले जाओ होर तरह बोलते, गुरदासपुर वाले होर तरह बोलते। ये कोई ऐसी बात नहीं, शब्द है आश्चर्य, संस्कृत का शब्द है आश्चर्य, उस तो अचरज बने। कोई अचरज कह रहे हैं, कोई अचरज। महाराज कहते ने जेड़ा उस अवस्था नूं पा लैंदा, जेड़ा गुरु के शब्द नूं कमाउण लग पैंदा, फिर कहन ना जाई। जिमें कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कही है, कहन ना जाई। कबीर जी कहते ना मेरे को बड़े लोग आते, कबीर जी को सानू भी थोड़ा जा स्वाद दस दौ। कबीर जी आते ने की दसा, कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कैबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। आख्या जे मैं कह भी दिया तो की स्वाद आएगा। कबीर देख कह के कहो, कहे न को पति आए, हर जैसा तैसा ओही रहो हरख गुन गाए। आख्या आओ तुसी, बाबा नानक जी अपने तरीके नाल कहंदे ने, जिसनों बख्शे सिफत साला नानक पातशाही पातशाह। गुरु अमरदास जी अपने तरीके नाल दसदे ने, कहंदे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। हुण अखर ते गुरबाणी दा ए सी, ते कई संप्रदावां ने आख्या आओ भोरे च वल के तुहानूं सुणाईए शब्द। उधर तुर पए, मैनूं इक सदा संत स्वर्ण सिंह सफरी होए ने, उह मेरे कोल भी आया करदे सन, उह सफर करदे सन साइकल ते। आंदे भी मैं ते गुरु की गल करनी है खड़का के, भाई वध तो वध तुसी गुस्से हो जाओगे तो मैनूं किराया ना दिओ, मैं साइकिल ते तुर जांगा। गए ओ इन्नी डंझ लांदे सन इन्हां पखंडियां दी। ओ आंदे अजकल दे गुरु की कर रहे ने, कन्ना कोहरा कुर, तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुर। ते फिर अगे ना दसी भाई हरनामिया पता साहब ऐसी खुर। ते अजकल दे पखंडी गुरु एवं चौंदे ने सिखां नूं जिवें चोई दियां ने भेटा, चुर चुर चुर। वो कहते मैं खरी गल कर रही, मेरा गुरु कह रहे। तो मेरा कहन तो मतलब गुरु घर के अंदर ये सारिया गल्लां बड़े सरल शब्दों में समझाइया ने, पर असी इस पासे ध्यान नहीं दिता। लो महाराज फिर अखीर गल कहते ने, तिन देखिया जिस आप दिखाए, तिन देखिया जिस आप दिखाए। नानक तिस जन सोजी पाए, नानक तिस जन सोजी पाए, नानक तिस जन सोजी पाए, नानक तिस जन सोजी पाए। लो जिसनों आप सोजी दे दे, फिर ओदे विच ते आम लोकां विच की फर्क हुंदा। कहिंदे सोजी मिलन नाल उहनूं समझ आ गई, सो अंतर सो बाहर अनंत, ओही मेरे अंदर है ते ओही बाहर। धन गुरु तेग बहादुर जी कहंदे ने, प्यारे हो ना पटको काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई।
पोप मद ज्यों बास बस्त है, मुकर माहे जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंतर, कट ही खोजो भाई बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भरम की काई। बस जिदे ते वाहिगुरु की कृपा हो गई, जिन्हों गुरु का ज्ञान मिल गया उदी अवस्था यह होगी, सो अंतर सो बाहर अनंत, सो अंतर सो बाहर अनंत। कट कट व्याप रहा भगवंत, कट कट व्याप रहा भगवंत, इत्थे कट दे टेंके नू सहरी है, हर कट विच हर शरीर विच हर हिरदे विच व्याप रहा भगवंत। परमात्मा का एक नाम भगवंत भी है, कहिंदे ओह भगवान सारिआं दे हिरदे विच व्यापक हो रहे है। इह किहनूं पता लगा, जिहनूं सोझी मिल गई, जिहनूं ज्ञान अंजन पै गया। धरन माए आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल। धरन माए वो धरती विच भी है, आकाश विच भी है, पताल विच भी है, तथा सारे लोकां विच वो पूर्ण परमात्मा वरत रहा है ते सब दी प्रतपाल कर रहा है। फिर बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म। हुण देखो लगा मात्रा की कितनी वैल्यू है, वो भी बाबा नन्ना बन कह दे तत्ता नन्ना तम नहीं, इत्थे बन दे नन्ने नूं सिहारी है, तिन दे नन्ने नूं सिहारी है, पर्वत दे तत्ते नूं सिहारी है, जिहदा मतलब है जंगल विच भी वो है, जंगल दे तिनकियां विच भी वो है, पर्वतां विच भी वो। कौन? पार ब्रह्म। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। जैसी उस मालक दी आज्ञा हो रही है, ये जीव उस तरह का कर्म कर रहे हैं। पौन पानी बै संतर माहे, वो हवा विच भी है, पानी विच भी है, अग विच भी है। चार कुंट दा दिसे समाहे, वो चौं कुंटां विच है, दसो दिशावां विच समा रहे है। ते तिस ते भिन्न नहीं कोठां, उहदे तो वक्खरी कोई जगह है ही नहीं जिथे वह ना हो। ते गुर प्रसाद नानक सुख पाओ, गुरु की कृपा देना, गुरु दे दिते हुए इस ज्ञान नू लेके नानक जी फरमाते ने सुख पाओ, सुख की प्राप्ति हो सकती। इत्थे बस नहीं, वेद पुराण सिमरित मैं देख, चार वेद हैं, 18 पुराण हैं, 27 सिमरतियां हैं, उन्हां विच भी परमेश्वर का जिक्र है। ससियर सूर नक्षत्र में एक, ससियर कहते ने चंद्रमा नूं, सूर कहते ने सूरज नूं, नक्षत्र कहते ने तारा मंडल। गल की जरे जरे विच है। गुरु अर्जन देव पातशाह ते कहते ने जां जां पेखो ता हजूर, जा जा पेखो ता हजूर, जा जा पेखो दूर कतो ना जाई, दूर कतो ना जाई, बोलो दूर कतो ना। रव रहा सर बतर में, रव रहा सर बतर में, मन सदा त्याई, मन सदा त्याई,
फिर पातशाह कहने बाणी प्रभ की सब को बोले, जेड़ा मैं बोल रहा ना ये मेरी अपनी कोई समर्था नहीं, ये वाहगुरु जी सत्या नाल बोल रहे, जे तुसीं बोल रहे हो तुसीं उहदी सत्या नाल बोल रहे, भाव जो भी जिक्र हो रहा चर्चा हो रहा वाहगुरु की बाणी बोल रहे। पर कमाल की गल है आप अडोल कब होना ना कब होना, आप वाहगुरु अडोल है वह कदे डोलदा नहीं। सर्व कला कर खेल है खेल, मोल ना पाई है गुणा अमोल, इनू गुणा नहीं कहना, जो हाहा मुक्ता हैगा इहदी आवाज कन्ने वल जाएगी, जदों ये किरिया वर्ब होगा उदों लाम वाले पासे जाएगा। इत्थे बहुवचन है सर्व कला कर खेल है खेल, मोल ना पाई है गुणा अमोल, उहदे जिहड़े गुण हन उहनां दी कीमत नहीं पाई जा सकदी। कोई आखे मैं कीमत पा सकूं, रोज जपजी साहिब पढ़दे आं अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारीए अमुल भंडार, अमुल आवै अमुल लै जाए, अमुल भाए अमुला समाए, अमुल धर्म अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बख्शीत अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल फरमान, अमुलो अमुल आख्या ना जाए, आख आख रहे निवला। फिर अगे पढ़ो आख्या वेद पाठ पढ़ो, गल की पातशाह कहने सर्व कला कर खेले खेल, मोल ना पाइए गुणा अमोल, सर्व जोत मैं जा की जोत, सारिया विच उहदी जोत काम कर रही, धार रहे हो स्वामी ओत पोत, इस तरह विराजमान हो रहा है। ओत पोत ये शब्द बाणी विच बहुत वारी आता है, जिहदा अर्थ है ताणा पेटा। हुण ते मिलां विच कपड़ा बुणिया जांदा है सानूं पता नहीं, पर जदों जुलाहा तणदा पहलां उह ताणा तणदा फिर उह चपेटा पाउंदा, जदों कपड़ा तैयार हो जांदा फिर पता ही नहीं लगता ताणा किहड़ा चपेटा किहड़ा। कहिंदे इस तरह वह मेरा मालक सर्व जोत मैं जा की जोत, धार रहे हो स्वामी ओत पोत, इनू हमेशा ओत पोत बोलना क्योंकि उड़े का मूँह खुला है, ये जिहड़ा खुला मूँह है सूचक है कि होड़ा लगे। फिर गुर प्रसाद भरम का नास, नानक तिन मैं एह विसास, जिन्हां ते गुरु की कृपा हो गई, जिन्हां ने गुरु के सुपदेश नूं सुन के मन लिया उन्हां दा भरम नास हो गया, साडा ते भरम ही नहीं नास होया। अज ते सिखां विच भी वंडियां पा बैठे, हालांकि सारे गुरु के सिख कलगियां वाले पातशाह कहने खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो अने नहीं जी, ये जट सिख ने यह तो रामगढ़ी है, तो फला साडा भरम ही नहीं नास होया। भरम नास ना होने का की असर होया, एक एक पिंड विच पांच पांच गुरुद्वारे बन गए, ए जी अखे रमदासियां दा, ए की जी रामगढ़िया दा, ए की जी भरम का नास ही नहीं होया। गुरु ने भरम का नास किया, गुरु ने कहा सब मैं जोत जोत है सोए, सब मैं जोत जोत है सोए, बस असी पढ़ी जा रहे, भरम नास होया ही नहीं। पर महाराज कहते गुर प्रसाद भरम का नास, नानक तिन मैं एह विश्वास, नानक जी फरमाते ने तिन मैं उन्हां विच विश्वास, असल शब्द विश्वास है, विश्वास कविता का तौर पूरा कर रही, उन्हां दे अंदर निश्चय है कि वह परमात्मा अंदर भी है बाहर भी है,
मेरे विच भी है, तुहाडे विच भी सारे। संत जना का पेखण सब ब्रह्म। फिर जेडे इस तरह के रब दे प्यारे ने जिन्हों का भरम नाश हो गया वह बन गए संत, ते उन्हां दा जिहड़ा पेखना है ना दिखना वह ब्रह्म है। उन्हां नूं फिर सारियां विच ब्रह्म नजर आता। वह कहंदे ने लोको ना भुलो सब गोबिंद है सब गोबिंद, सब गोबिंद है सब गोबिंद। गोबिंद बिन नहीं कोई, गोबिंद बिन नहीं कोई, संत जना का पेखण सब ब्रह्म। संत जना कै हिरदय सब धर्म। जिहड़े वाहगुरु दे प्यारे जिन्हां दा भरम नाश हो गया उन्हां दे हिरदे विच सब धर्म। सब धर्म का की मतलब? वह हमेशा चंगे काम करते, वह कदे किसे दा माड़ा नहीं जे सोचते, वह कदे किसे दा माड़ा नहीं करते। पढ़ के देखो, भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नामा, परवान गणी से ये आए, सफल तिना के काम। मेरे राम हर जन कहो भल जाई, केसा का कर चवर टुलावा, चरण धूड़ मुख लाई। ओ जन्म मरण दोहू में नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लाइन, हर स्यों लैन मिलाए। संत जना कै हिरदय सब तक, संत जना सुने शुभ बचन। वह हमेशा शुभ बचन सुनते, वह कदे कटिया ते गंदियां गल्लां किसे दी निंदा चुगली सुनते। सर्व व्यापी राम संग रचन, वह सारियां विच व्यापक परमात्मा नूं रचिया होया देखते, तथा वह राम नाल रचे रहिंदे, एकमिक होए रहिंदे। जिहड़ा परमात्मा सारियां विच व्यापी है ना, उहदे नाल रचे रहिंदे। किवें? ज्यों मछली बिन पाणी है, क्यों जीवन पावै, बूंद विहूणा चात्र को क्यों कर तृपतावै, नाद कुरंग कै बेधिया सनमुख उठ धावै, पवर लोभी कुसुम भास का मिल आप बंधावै। त्यों संत जना हर प्रीत है, देख दर से अघावे। लो हुण पातशाह कहिंदे ने ये रैत जिहड़ी मैं दस रहा किहनां दी है? जिन जाता तिस की ए रैत, जिन जाता तिस की ए रैत, ये जिंदे नन्ने नूं सियारी है जिन्हां ने ये गल जान ली है। तिस की ए रैत, उन्हां दी रहनी इहो जी है, उन्हां दा विवहार इहो जिहा है। सत बचन साधु सब कहत, इत्थे सादे तत्ते नूं सियारी उह सदा सच्चे बचन कहिंदे। उह अपनी रसना तों कदे झूठ बोलदे ही नहीं, गलत कहिंदे ही नहीं, ते जो जो होए सोई सुख मन्ने। जो सवागुरु दे हुक्म च होवे उहदे विच सुख मन्ने। ते करन करा मन हार प्रभ जाने, सारे कारणां दे करन ते कराउण वाला उह परमेश्वर नूं जाणदे। अंतर बसे बाहर पी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। आख्या उहनां नूं निश्चा हो जाता कि वाहगुरु अंदर भी है बाहर भी है, इसलिए वह सारियां दे दर्शन देख के मोए जांदे ने, सबनों नमस्कार करदे। फिर आप सत किया सब सत, उन्हां नूं ये निश्चा हो जांदा है कि वाहगुरु आप भी सच्चा है, ते जो उन्हें बनाया वह भी सच्चा। तिस प्रभ ते सगली उत्पत, ये जिनी उत्पत्ति हुई है सब उस परमेश्वर तो हुई। तिस भावै तां करे विस्तार,
जे उन्हूं चंगा लगे तो खलारा कर दिंदा, ते जे उन्हूं ना चंगा लगे या खलारे नूं मेटना चाहे तो तिस भाव है तो एकंकार फिर कला ही रह जाता। मैं कल भी बहुत सारे प्रमाण दिते सन के बाजीगर जैसे डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवे अकेला, बाजीगर जैसे बाजी पाई नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थमेओ पासारा तब एको एकंकारा। कहने जिस में जिस भावता करे विस्तार, जिस भावता एकंकार जिन चंगा लगे। हाँ महाराज जब मीह पै जाए डडू डडू आ जाते, माड़ा जहा मीह पै जाए ना लाइटा उत्ते इतना मच्छर बल्ले बल्ले, दिन चढ़े साफ खत्म। ये सब उदी मौज है। तिस भाव है ता करे विस्तार, तिस भाव है ता एकंकार, अनिक कला लखी ना जाए। आख्या उस परमात्मा दी कला एक नहीं अनेक। पुछो गुरु तेग बहादुर जी पातशाह ने, हर बिन हर की गतना को जाने, जोगी जति तपी पचहारे अरबो लोग से आने, खिन में राव रंग को करई राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे सखनावे यता को व्यवहारे। तिस भावे ता करे विस्तार, तिस भावे ता एकंकार, अनेक कला लखी ना जाए, जिस भावे तिस ले मिलाए। जिनू उदी कृपा हो जाए उन्हूं अपने नाल मिला ले। ते कमन निकट कमन कई है दूर, कमन निकट किसनू नेड़े ते किसनू दूर कई है, आपे आप भरपूर। वो आप ही सारी जगह ते भरपूर है, नको नक प्रयत्न। अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। अंतर्गत जिदे हिरदे विच वसदा उस समझा दे वे, उनू नजर आ जावे बस, फिर पातशाह कहने नानक तिस जन आप बुझाए। तिस जन उस पागां वाले मनुख नूं, व्यक्ति नूं, सेवक नूं, दास नूं, वो फिर अपना ज्ञान दे दिंदा है, उन्हूं फिर समझ आ जाती। सर्वभूत आप वरतारा, सर्व नैन आप पेखणहारा। ये जिन्ने भूत ने तत् ने, भूत का मतलब है तत्, ये भूतां प्रेतां की गल नहीं। जितने भी तत् ने ये सारे तत्ता नूं आप ही वरतौण वाला। धन गुरु अर्जुन देव पातशाह ने, गुरु रामदास जी ने फरमाया, आख्या पंच तत् कर तुझ सिष्ट सब साजी, कोई छेवां करे हो जे कुछ कीता हो। इक ना सतगुर मेल तू बुझावे, एक मनमुख करे सिवो। हर की वडियाई हम आख न सका, हम मूर्ख मुग्ध नीचान, जन नानक को हर बख्श ले मेरे स्वामी, शरणागत पया अजान। जिदे ते उदी कृपा हो जाती, उन्हूं समझ आ जाती। सर्वभूत आप वरतारा, सर्व नैन आप पेखणहारा। आ सारियां अखां उहदियां ही ने, ते इन्हां अखां विच देखण वाला भी आप ही। सगल समग्री जाका तना, आज इतनी समग्री देख रहे हैं। असी अगली पंक्ति पढ़ लो काले पै जाने, ये बड़ी गलत आदत है। पहला जिहड़ी पंक्ति पढ़ी जा रही उन्हूं समझ ते लो, ये साड़ी ईगो है कि सानू आउंदी है जी, पहला ही आउंदी सी। ये तुसी संथा पढ़ रहे हो बड़े तीरज नाल, मैं कोई काली नहीं कर रहे। सगल समग्री जाका तना, ये जितनी समग्री असी देख रहे
ये सब उस परमात्मा का शरीर है। ते आपन जस आप ही सुना, कोई कोई जस कर रहा ता भी आप कर रहा, जो कोई सुन रहा ता भी आप सुन। आवन जान एक खेल बनाया, आख्या इस संसार का खेड, कोई आ रहा कोई जा रहा, कोई जन्म ले रहा कोई मर रहा। आज्ञाकारी कीनी माया, ये परमात्मा की माया है। आज्ञाकारी का मतलब उसने अपने हुक्म विच बनाई है। सब के मध्य अलिप्त हो रहे हैं, मध्य दे तदे नूं सहारी है, सारियां दे विच है, पर अलिप्तो रहे। इनू अलपतो नहीं पढ़ना, असल शब्द है लिपत। लिपत दे अगे ऐड़ा लग गया ते बन गया अलिपत। ते तत्ते नूं होड़ा ला के कविता दा तोल पूरा कीता, सब कह मध्य अलिपतो रहे है। पर कदे लिपाए मन नहीं हुंदा, कदे किसी चीज़ विच फसदा नहीं, लिबड़दा नहीं, आप खरा ही रहिंदा। ते जो कुछ कहना सो आपे कह है, इन्हां जीवां तो आप ही कुआ जांदा। जो उन्हें कराउणा हुंदा, जो कहाउणा हुंदा, तो आग्या आवे आग्या जाए, आग्या आवे आग्या जाए। मैं इसलिए भी तुहानू पढ़न की खेचल दे देना भी, जो तुहानू रस जा हुंदा ना, फिर तुसीं गुड़ूंद हो जांदे। मैं ना कदे भुली ना जाओ, कई तो मेरे वर्गे बेचारे सुनते सुनते सौ ही जाते हैं, उन्होंने ऊँघ आ जाती है। ऊँ भावें बिस्तरे ते बैठे रहन, नींदर नहीं आवेगी, पर इत्थे जदों सुख मिलता है ना तो फट नींद आ जाती। मैं इसलिए तुहानू चेतन भी रखता, आग्या आवे आग्या जाए, आग्या आवे आग्या जाए। आग्या से तुसी जान दे, उदी आग्या विच ही आउंदा है जीव, आउंदा आग्या विच ही जांदा है। ते नानक जां भावे तां लै समाए, जदों दी मौज हो जाए, जदों दी कृपा हो जाए, फिर अपने विच लीन भी कर ले। इसते होए सुना ही बुरा, आख्या उस मालक को जो कुछ हुंदा है वो कदे बुरा नहीं हुंदा। जिस तरह कदे माँ प्यो अपने बच्चे लिए बुरा नहीं सोचते, हाँ समझ है बच्चों की। कई बार बच्चे कह देंगे ने, पापा जी तुसी मेरे लिए ठीक नहीं किया। इत्थे स्वार्थ है, मतलब है कोई माता पिता तो ठीक ही कर रहे ने, पित परमात्मा सब लिए ठीक कर रहे हैं। मारे कहते उन्होंने निष्ठा हो जाता है कि जो मेरा मालक कर रहा है ठीक कर रहा है। ताई वो कह सकता है तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे, तेरा किया मीठा लागे। उन्होंने कदे परमात्मा आप पूछे ना, दसो तुहानू की चाहिए की मर्जी, उन्होंने नहीं हमारी चाही करन की, चाही दा मतलब इच्छा, हमारी चाही करन की जे है तुमरी चाह, तुम अपनी चाही करो, ये है हमारी चाह। साड़ी इच्छा है भी तुसी अपनी मर्जी करो, ऐसा ना हो असी कोई गलत गल कह बैठी, तुसी गलत करना नहीं। इसते होए सुनाई बुरा, और है कहो किने कच कर, दसो होर उहदे बिना है किहड़ा जे, जिसने कुछ किया दसो तो सही। आप भला करतूत अत नीकी, इत्थे नीकी दा मतलब नीकी नहीं, नीकी सुंदर, वो आप भी बहुत भला है, ते उहदे कीते हुए कामों की करतूत भी नीकी सुंदर है। आपे जाने अपने जी की, वो अपने जी की आप ही जानता उन्हें की कर, सानू उहदे अंदरले दा कोई पता। फिर महाराज कहने आप साच
धारी तब साथ, वो आप भी सच्चा है। ते जो उसने धारी मन टकाई हुई बनाई हुई रचना, ये भी सच्ची है। जाति को रे दे विच बैठा है, ये है जिस दिन वो अपने आप नु कढ लेगा खत्म। आ मेरा शरीर तुहाडा शरीर, मेरे बोल तुहाडे बोल, कदों तक ने? जब तक उहदी जोत विच है। जरा जोत निकल जाए फिर कोई बोल के विखाओ। ऐदू वध नेड़े ज्ञान कौन करावेगा? आप साच धारी तब साच, ओत पोत आपन संग राच। वही फिर ताने पेटे वो आप ही इहदे विच समाया होया। ताकि गत मित कही न जाए, उस वाहिगुरु की गत मिति भाई नहीं कही जाती, असी नहीं कह सकते। बादशाह ने तो हथ खड़े करते आख्या, जेवा एक कमन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना कि नहीं ली। असी किवें तेरी गत मिति जान सकते? नाले रोज पढ़ी जाने, तुमरी गत मित तुम ही जान। कई बेचारे तो पढ़ते ही तुमरी ने, तुमरी गत मित तुमरी जान। जे समझाओ तो अगों गल पैंदे, ओ तुसी बड़े ज्ञानी आए। अरे समझ के पढ़ो, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बान। पातशाह ने तिसका किया सब परवान, हाँ ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए ता सोच ही पाए। देखो स्वार्थी लोगों ने इस पंक्ति दे अर्थ पता की किते? वो जो कोई दूजा होगा तो सोझी देगा, वो दे धारियां ने एक पिछों कढ़ दे। इत्थे गल नहीं, जे ओदे वर्गा कोई होवेगा तो दसेगा रब एडा वड्डा। गल तो यह है, पर उन्होंने इस नूं अपने स्वार्थ विच खिंच लिया। अगे जी बाणी च लिखा, दूजा को होवेगा तो सोझी पाए। पहली पंक्ति नूं जोड़ के पढ़ो, ताकि गत मित कही न जाए, ताकि गत मित कही न जाए। दूसर होए तो सोझी पाए, दूसर होए तो सोझी पाए। ओदे वर्गा कोई होर दूजा होवे तां दस सकदा, इसलिए वह आप ही जानता है। जिसका किया तब परवान, गुरु प्रसाद नानक एह जान। भाई तिसका किया जो करदा है सब परवान, ओदे ते कोई नुकता चीनी कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता। करेगा भी तो ओदा की बिगाड़ लेगा, ओदा नहीं कुछ बगा। इसलिए गुर प्रसाद नानक यह जान। नानक जी फरमाते ने, गुरु की कृपा नाल ये गल जाननी कर। अगला हुण पद पढ़ो ध्यान नाल, जो जाने तिस सदा चुक होए, जो जाने तिस सदा चुक होए। देखो ना भाई भखारी जी वर्गिया ने, गुरु अर्जन देव जी ने कहा, महाराज किसी सिख ने कहा, महाराज कोई ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन कराओ। कहते फलानी जगह चला जा। हुण भाई भखारी जी की साखी तुहानू कईयां नू आउंदी कईयां नू नहीं आउंदी, सब कुछ जानदे पता है, पर कोई नुकता जी नहीं। जदों गया सिख मिलन वास्ते, ते भाई भखारी जी तप्पड़ सी रहे सन, ते अंदर गया ते हलवाई लगे हुए सुनियारे गहने बना रहे, कपड़े सी रहे दर्ज। समझ आई कि विआह। अगे कमरे भी देखा तो उत्ते सीढ़ी बनी पई। उस सिख ने मत्थे ते हथ मारिया, भी गल की है? इधर वेखदा ते विआह नजर आउंदा है, इधर वेखदा ते मरने की तैयारी हो रही है। आखणगा महाराज की गल है, समझ नहीं आई। आंदे कोई गल नहीं, आए हो लवो सब कुछ हो जाए। देखिए
ब्याह भी हो गया, डोला भी आ गया, मठियाइयां भी खादिया गई, ते रात बीती, ते जिस मुंडे का ब्याह सी उहदी मृत्यु भी हो गई। भाई साहब ने तप्पड़ भी बिछाया, भाई साहब ने उस छिड़ी भी वरती। आखन लगा सिख बाबा जी तुहानूं पहला पता सीगा भी सब कुछ होना है, फिर तुसीं मुंडे का ब्याह क्यों किया? वो आखन लगा रहन दे, रहन, ये उहदी मर्जी है। जे मैं इहदे च कोई दखल दिया तो मैं गुरु का सिख हाँ, जो जाने ते सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ से, उन्हूं फिर परमेश्वर अपने नाल मिला लैंदा है। ते ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, ओ जे असली धनवान, ओ है असली इज्जत का मालक, ओ है कुलवान, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान, वो जीवन मुक्त है जिसके हृदय में परमेश्वर है। ते फिर सारी दुनिया की कहती है, धन 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 जन आया, धन 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 जन आया, मैं सवेरे भी दस्या सी, जे धन ना मुक्ता धन होवे ते ओ स्त्री वास्ते, धन पिरे ना अखियन बहन इकट्ठे, जे धन ने नू औंकल लग जाए धन दौलत दी गल है। ते जिथे इस तरह दा धन आ जाए टिप्पी वाला, ये धनता दे योग, धन 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 जन आया, धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराए, 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 प्रसाद दे देनु सहरी है जिदी कृपा दे नाल, सब जगत जिन्हें भी गुरमुख जिन्हें भी उन्होंने संगत चाहे उन्होंने ज्ञान हो जाएगा, तर जाएंगे। तो जन आमन का एह सुहाओ, जन कै संग चित आवै नाओ, ए दे उना गुरमुखां दी संगत विच आउण दा फायदा, ए जे उना दे संसार विच आउण दा मतलब। जन आमन का एह सुहाओ, सुहाओ दा मतलब है प्रयोजन, मंतव के जन कै संग चित आवे नाओ, चित दे तत्ते नूं सहरी है, उन्हां दी संगत बैठन नाल परमेश्वर दा नाम चेते आउंदा है। ते आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार, वो आप ते मुक्त है ही। मुकत दा मतलब है बंधना तो रहत, इत्थे कोई मरण वाली बात दी मुक्ति दी गल नहीं है। जेड़ा उना दी संगत करेगा, उना दे पावन बचन सुन के मनेगा, वो भी मुक्त हो जाए। एक दो चार दी गल नहीं, संसार आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा। पातशाह कहिंदे ने ऐसे सेवक नू मेरी नमस्कार। एक सूचना है सात संगत, बहुत सारे प्रेमी पूछ रहे ने जी इहदी सीडी कदों मिलेगी, कित्थे मिलेगी, किवें मिले। भाई दिल्ली कमेटी तो बनाएगी, उन्हां दा टीचा तो है, पर मैनू सवेरे एक फोन आया हुशियारपुर तो, सर हरविंदर सिंह हैं, बड़े गुरमत प्रचार दे लगन वाले, उन्होंने कहा कि जितनी कथा हो रही है ना असी नाल दी नाल यूट्यूब ते पा रहे हैं। उन्हां कोल साधन हैं, उन्हां नूं लगन है, भई ये तो पक्का रिकॉर्ड बन गया, जेड़ा कोई सुनना चाहुंदा है यूट्यूब ते कढ़ो। मैनूं तो नहीं आउंदी यूट्यूब की हुंदी, मैनूं नहीं पता है, मैं उन्हां दा संदेश तुहानूं दे रहा, क्योंकि अजकल दे बच्चे बड़े होशियार सियाने। ऊ मेरे नाम ते ओह खाता भी खुलिया है, नैटवर्क उहदे खोलो
सारा जो कुछ है अज तक सब आ जाए। तो भुला चुकां दी खिमा बख्शनी, गज के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का।